अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफसल। वी आर लाइव फ्रॉम आर लाहौर स्टूडियो। लेकिन ये स्टूडियो जो है इसके प्रेमिसेस जो है आप देख सकते हैं कि वैसे स्क्रीन पे जो नजर आता है वो मेरा एक बैकग्राउंड, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, पीछे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, दो अदद गेस्ट बैठे होते हैं। ये छोटी सी प्रेमिसेस है जिसके लिए रोज़ाना मैं काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये सोचती रही हूँ कि मैंने ये काम करना है। जब ये काम मेरी ज़िंदगी में यू नो आया करने के लिए, जिस तरह से मैंने सोचा था कि मैंने अगर न्यूज़ कास्टिंग करनी है, फिर मैंने प्रोग्राम होस्ट करना है, या मैंने आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपने एक्स वाई ज़ेड लोगों की बात करूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, अपने दोस्तों की बात कर लेती हूँ, अपने वर्क सर्कल की बात कर देती हूँ, अगर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊँ और ये रियलाइज़ करने की कोशिश करूँ तो हमने अपनी खुशी को कर लिया मशरूत। किस चीज़ से हम खुश होंगे? अच्छा घर होगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर अच्छी गाड़ी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारी मर्जी की जॉब होगी तो। मतलब हमारी खुशी मशरूत हो गई थी कुछ अर्सा पहले इन चीज़ों से। जब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं उसके बावजूद भी यू फील स्टक इन योर लाइफ, उसका क्या किया जाए, इस बात का क्या हल है? प्रोग्राम के आगाज़ में ये सवाल डालने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आज का प्रोग्राम आपके लिए या इंट्रोडक्शन का ये पार्ट आपके लिए है। अगर आप ये फील कर रहे हैं यू आर स्टक इन योर लाइफ क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को मशरूत कर लिया था कुछ चीज़ों से कि ये सब कुछ हमारे पास होगा तो ही हम खुश होंगे, तो ही हम सेटिस्फाई होंगे, तो ही ज़िंदगी बेसिकली ज़िंदगी कहलाएगी। लेकिन अब जब ये सब कुछ आपके पास आ गया उसके बावजूद भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से चीज़ें तब्दील होनी चाहिए थी उस स्पीड से नहीं हो रही, या जिस स्पीड से आपको लगता था कि प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी और हम काम करेंगे, उस तरह से चीज़ें प्रोसेस क्यों नहीं कर रही? सबसे अहम बात जो मुझे सारे सिनेरियो में लगती है वो सिर्फ एक है, वो क्या कि आप इस चीज़ को फील करें कि आप कहाँ गलती और कोताही कर रहे हैं, आपकी कमी कहाँ पर है। क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से खुश हैं, वो सब कुछ जो आपने चाहा अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिल गया, आपके रिश्तेदार खुश हैं, आपके इर्द गिर्द आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, ये सब कुछ सेटिस्फेक्शन है, तो फिर आप कहाँ लैक कर रहे हैं? मसला कहीं ना कहीं आपकी ज़ात के अंदर है, जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट होता है नाशुक्री का, सबसे बड़ा एलिमेंट। आप ये सोचें कि ज़िंदगी में अगर आपको ज़िंदगी मिल गई है, एक दिन और मिल गया है, एक चांस और मिल गया है, दैट इज़ समथिंग, बल्कि दैट इज़ एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर मी एज़ वेल। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलसल हमारी ज़ुबान पर शिकवा गिला क्यों रहता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उसे भी कैश नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम का आगाज़ या अपने दिन का आगाज़ आज इस अच्छे नोट से करें कि आज के दिन जो आपके पास है ना, बस आपने उसको लेके खुश हो जाना है, चाहे वो कल मिला हो, परसों मिला हो, या कुछ अर्सा पहले आपको वो चीज़ मैसर आई हो, लेकिन आप उसकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में यूँ महसूस ना कर रहे हो। तो जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाती हैं बोनस के तौर पर, उसे कैश किया करें, उससे खुश हुआ करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आज हम प्रोग्राम में स्पेसिफिकली बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मुझे लगा मुझे प्रोग्राम में इसको एड्रेस करना चाहिए। हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे योगा की, क्योंकि अगर जून की बात की जाए तो 21 जून को वर्ल्ड योगा डे पूरी दुनिया में मनाया गया है। तो योगा के बारे में यू नो ये अज्यूम किया जाता है बीइंग अ मुस्लिम, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हम लोग इस बारे में है भी कि छोटी सी कोई बात हो तो हम उस पर कॉन्ट्रोवर्सी कर लेते हैं या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारा ज़रूर होता है। अब योगा के कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं, कुछ चैंट्स ऐसे हैं कि अगर आप उनको देखें तो वो फेमिलियर हैं आपकी हिंदुस्तान की कुछ रसूमात से, जो कि वो इबादत के तौर पर अदा करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ये अज्यूम करते हैं कि वो सिर्फ उनसे एफिलिएट हैं, अगर वो योगा के जस्टिस का पार्ट है तो किस तरह से हम इसको मजहब से रिलेट ना करें, या किस तरह से हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं ये सवाल है, बिकॉज मेरे दिमाग में भी आया कि बस जेस्चर ऐसे होते हैं, कुछ आवाज़ें इस तरह की हम निकालते हैं योगा के दौरान, उसको नॉर्मली ये यू नो परसीव किया जाता है कि ये हिंदुस्तान में इबादत की या रसूमात का एक हिस्सा है, तो इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और किस तरह से योगा आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी सेहत को बेहतर और बेहतर कर सकती है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो आज फाइनली वी आर इन द मिड ऑफ द वीक,
ईद बहुत करीब है, कल वेंसडे था और राइट आफ्टर वन वीक वेंसडे को होगी ईद, तो शॉपिंग करें, मवेशी मंडियों में जाएं, जानवर खरीदें, लेकिन खास तौर पर इसका ख्याल रखें कि कोविड-19 की ये सिचुएशन जिस पर कल हमने डिटेल प्रोग्राम किया कि जो दूसरा वेरियंट आया है ये बुरी तरह मुतासर कर सकता है हम सबको, जिसे कराची के 35 केसेस भी देखे गए हैं, तो लाहौर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सिवाय इस चीज के कि हम प्रिकॉशंस करें और अच्छे तरीके से करें, तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा अपना, अपनी सेहत का, अपने माहौल का। तो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं माहौलियात पे कि इर्द गिर्द लाहौर के मौसम को, मौसम की मुनासबत से खास तौर पर माहौल को बेहतर करने के लिए क्या क्या किस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम किया जा रहा है, प्लस आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए नेचर के करीब किस तरह से रह सकते हैं। उसके लिए ब्रेक पर जाने से पहले डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि योगा की कुछ मिसकंसेप्शन जो है उसको हम आज के प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, आपका तारुफ उनसे करा देती हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद है, ये योगा एक्सपर्ट है, प्लस लाहौर कैलेंडर स्ट्रीम्स जो है हमारी उसके हेल्थ एंड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो डिटेल से हम इनसे जानेंगे कि सुबह सुबह उठकर अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट में कौन सी ऐसी योगा स्टेप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज जिशान रशीदी, ने कहते हैं बहुत दफा मेरे शो में आ चुके हैं, ईद शो में बारह आप इन्हें देख चुके हैं, ये वाइस चेयरमैन है PHA, तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने क्या क्या हमारे लिए किया है, पिछला मेला तो आपको याद होगा, अब मजीद फ्यूचर में क्या प्लान है वो हम इनसे जानेंगे, इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने इन्हें इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके आने का बेहद शुक्रिया, सुबह बखैर। तो आप सबको गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो प्रोग्राम का आगाज इससे कर लेते हैं कि आपने दिन का आगाज कैसे करना है, कुछ भी नहीं आपके पास बड़े एक्सक्यूज है, क्योंकि मेरे पास बड़े एक्सक्यूज है, मुझे इस बात का अंदाज है कि मैं 1001 बहाने लगा सकती हूँ कि सुबह मैंने उठना होता है, मैंने ऑफिस आना होता है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो भाई आपने अपने साथ क्या करना है ये भी बहुत जरूरी अमल है। सर ये बताएगा डॉक्टर साहब, सुबह उठते साथ ही अगर आपके पास बड़े एक्सक्यूज है कि आप बहुत मसरूफ हैं, आप लेट हो रहे हैं और समथिंग लाइक, सुबह उठते साथ सबसे पहला काम जो आपने योगा में कुछ एक ऐसी चीजें 5 और 10 मिनट में आप कर सकते हैं, बट इट शुड बी क्या हो सकती है? सबसे अहम बात है जो ही आपकी आंख खुले तो इस चीज को हमेशा जहन में रखिए, एक तो कलमा शहादत आप पढ़ें फर्स्ट, और दुरपाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरपाक भेजें, दूसरा इस चीज को जरूर एक्नॉलेज करें कि इस वक्त पूरी दुनिया में डेली ये पोजीशन है कि तकरीबन 5 लाख के करीब लोग हैं मिलते जुलते उनकी आती है जो कि रात को सोते हैं अच्छे भले और सुबह उन्हें देखने नसीब नहीं होती। तो सबसे पहला काम जो ही आंख खुलें ये फील जरूर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल अलाइव। ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है और ये आपको सरशार कर देगा, यकीन मानिए आपकी सुबह का आगाज बे इंतहा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत आगाज हो जाएगा। ये एक छोटी सी मेडिटेशन भी है और आपको ये ब्लिसफुल रखने वाली चीज़ है, बिल्कुल फ्रेश विद इन नो टाइम आप ब्लिसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जिन्होंने अल्लाह की रहमत से ये दिन जिन्हें देखना नसीब हुआ। और उसके बाद आप सबसे अहम बात तो ये है कि नमाज के लिए, लेकिन तकरीबन कोई 1.5 से 2 मिनट आपको जो ही आँख खुले अब्रप्टली आपने नहीं उठना, 1.5 से 2 मिनट आपने बेड पे जैसे मैंने बताया कि उठते ही आपको दुरूद पाक पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्रीदिंग आप कर लीजिए। ब्रीदिंग आपकी कंसंट्रेशन लेवल को जो है उस वक्त चूँकि ब्रेन सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 24 आवर में मैक्सिमम जो है एक्टिव होता है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स होते हैं, मैक्सिमम फंक्शन लेवल्स होते हैं, तो उस वक्त जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो ये आपका और भी डबल हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं उठना चाहिए व्हेन यू वेक अप, तो आपको फौरी तौर पर नहीं उठना चाहिए, यू नीड टू फील लाइक कि आप ग्रेजुअली उठे, ये बॉडी के लिए कितना मतलब डेंजरस हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हम ना अचानक से उठा देते हैं, बाजूकत लोग डर भी जाते हैं, बाजूकत ना बॉडी में अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखी जाए तो कितनी डिस्टर्ब होती है इस चीज से, अगर आप फौरी तौर पर अपनी तमाम यू नो आप सोकर उठते हैं तो आपकी बॉडी उस मोशन में नहीं होती, बिल्कुल तो कितना फर्क पड़ता है इस चीज से। ब्रीदिंग चूंकि हमारी सर्कुलेशन बहुत स्लो उस वक्त मूव कर रही होती है तो अब्रप्टली उठना और एकदम उठ के भागना बड़ा डेंजरस हो सकता है, इससे बहुत से लोग कहीं ना कहीं चोट लगवा लेते हैं और बाद का सर्कुलेटरी फेलियर होने से सडन डेथ हो जाती है विदाउट एनी डाउट। दूसरा जब भी देखें आप हार्ट डिजीज है, जितने हार्ट अटैक्स आते हैं वो आपको फजर के टाइम के करीब आते हैं, मोस्टली लोग फजर के टाइम के करीब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पुरसकून होकर आँख खोले,
चंद लम्हे आप ब्रीदिंग पे तवज्जो दीजिए, और अगर हो सके तो सुबह उठते ही एक गिलास पानी बिल्कुल पास रखें, पानी का एक गिलास पी के आप उठें, तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ऐसी मुश्किल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इंतहाई बेसिक, देखिए मेरा मकसद या डॉक्टर इफ्तिखार का मकसद ये नहीं कि आपको डराया जाए कि आप सुबह उठे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वो प्रिकॉशंस हैं, या आप ये बोले कि ये सिर्फ वो बोनस पॉइंट्स हैं जिससे आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपका माहौल बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, तो जब हम आंखें बंद करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ज्यादातर इफेक्ट जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होता है पीसफुल एनवायरमेंट, सुकून, नेचर। तो नेचर के करीब रहने के लिए, योगा करने के लिए खास तौर पर हमें एक ऐसा स्पेसिफिक माहौल चाहिए होता है। पार्क्स पे जब आज भी मैं लोगों को योगा करते हुए देखती हूँ, तो यू जस्ट फील द एसेंस, आप उस चीज को फील करने की, इंटेंसिटी को फील करने की कोशिश करें कि खूबसूरत सा माहौल हो, ढेर सारे दरख्त लगे हों, ग्रास हो जो हल्की हल्की नम हो, और आप अच्छे से मेडिटेशन और योगा कर रहे हो। लेकिन ये इन्वायरमेंट आपको सिर्फ प्रोवाइड किया जा सकता है पीएचए की जानिब से। तो बहुत सारा काम जो पीएचए ने किया है उस पर तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जरा फ्यूचर प्लानिंग की बात कर लेते हैं। हाफिज जिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बड़ा ज़रूरी है, योगा हो, एक्सरसाइज हो, वॉक हो, जॉगिंग हो, इसके लिए हमारे पास पार्क्स तो अब हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक इस चीज़ को अलग करना, कंसर्न डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ क्लासेस हो रही हैं, और कहाँ कहाँ किस किस पार्क्स में हम इस हवाले से काम कर रहे हैं कि योगा को और एक्सरसाइज को प्रमोट किया जा सके। देखें, एक तो हमने लाहौर के 26 बड़े पार्क जो हैं वो डेडिकेट किए हुए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम्स के लिए, जिसमें योगा क्लासेस भी होती हैं, जैसे जोहर टाउन में और गुलबर्ग में, एमएम मालम रोड के गिरदोनवा, और 26 पार्क यानी इसी हेल्दी एक्टिविटी के लिए मुख्तस किए हैं। तो जो आप जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सुबह उठते ही पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम भी इसको पूरी संजीदगी से लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही हमने कोविड की सूरत हाल में दाखिल हुए और हमने देखा कि लोग घरों तक मैसूर होके रह गए हैं, तो हमने उनको हेल्दी एक्टिविटी देने के लिए लाहौर में बयक वक्त 3 जगहों पर साइकिलिंग के लिए ट्रैक बना दिए। यस यस यस। पहले लोग रोड्स के ऊपर साइकिलिंग किया करते थे, हादसात भी हो जाते थे, और हमारा यहाँ पे एक महफूज ड्राइव मुमकिन नहीं थी, तो हमने उन्हें एक गार्डन में, यानी जो एकड़ों पे रकबा मुश्तमिल होता था, वहाँ पे उन्हें साइकिलिंग ट्रैक बना के दिए। तो पीएचए ने तो अपना काम हमेशा सेहतमंदाना एक्टिविटी हमेशा की, जहाँ पे हमने तफरी के मौके दिए वहाँ पे हमने हेल्थ को भी बहुत प्रमोट किया, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए लाखों दरख्त लगाए और जंगलात लगाने का अमल अब शुरू किया हुआ है। तो पीएचए इसमें हमेशा पेश। आप जंगलात लगाने की बात कर रहे हैं, चूंकि नियो टीवी पर भी और लाहौर रंग पर भी और डिफरेंट चैनल्स में हमेशा आप इस चीज़ को अच्छे से एलैबोरेट कर चुके हैं कि मियावाकी जंगल जो है वो एक्चुअली किस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान में लेकर आया जा रहा है, और यू नो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है कि वो क्या लॉन्च करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा और एलैबोरेट करें कि हम कितना इस चीज़ के करीब आ चुके हैं, कितना परसेंट काम हो चुका है, कितना हो जाएगा, उसके बाद हमारी आम आवाम के लिए जो स्क्रीन की उस तरफ हमें देख रहे हैं, हम उन्हें क्या देने जा रहे हैं। देखिए, हम तो पिछले 2 साल से जहाँ पे हमने दरख्त लगाने का अमल शुरू किया, तो हमारे पास दरख्त लगाने के लिए स्पेस कम थी, यानी पूरे लाहौर को तो कंक्रीट का शहर बना दिया गया ना, मेट्रो, बस, ऑरेंज अंडरपासेस और इसकी शक्ल में, और जो हमारे दरख्त थे तोसी मंसूबे की आड़ में उसको काटा गया। तो इसी तरह फिर लाहौर का न सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक जैसी चीज़ें भी हमने हालिया सालों में फेस की। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारी नज़र में एक जैपनीज टेक्निक गुजरी, जो कम वक्त में आपको कम जगह पे कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का मौका देती है। ये तहकीक ये थी कि यूजुअली तो दरख्त को आप 4 से 6 फीट के फासले पे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इस टेक्निक में हम दरख्तों के दरमियान फासला कम रखते हैं और दरख्त को मजबूर किया जाता है कि दरख्त ऊपर की जानिब बढ़े, ठीक है। अब देखिए, जितनी तेजी से माहौलियाती तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्मोक बढ़ रहा है, तो हमें भी उतनी ही तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है। एक आम दरख्त जो 20-30 साल में एक फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, मियावाकी टेक्निक में वही दरख्त 3 साल में एक 30 फीट से तजावज कर जाता है। really इस टेक्निक के तहत अब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि न सिर्फ हम लाहौर का टेम्परेचर पीछे नॉर्मल करें,
स्मोक को बतदरीज कम करें, और साथ ही साथ ये था कि हमारे जो रूठे परिंदे हैं जो एक ख़ास सीज़न में हिजरत करके पाकिस्तान आया करते थे वो वापस आ सकें, उनके लिए हमने फलदार दरख्त लगाने का अमल शुरू किया है, चूँकि परिंदे फलदार दरख्त पे आते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर पिछले कुछ सालों पहले की बात करें तो लाहौर को बागों का फूलों का शहर कहा जाता था, अब पिछले कई सालों से जब का ये कंक्रीट का शहर बन गया इन चीज़ों की हमने हौसला शिकनी देखी। इस कमी को महसूस करते हुए हमने जंगल लगाने का अमल शुरू किया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाहौर में हम 51 जंगल लगा चुके हैं। पिछले एक प्रोग्राम में आपने कहा कि जितना माजी में काम होता था, बल्कि आपने क्वेश्चन रेज किया था कि वो नहर के इस पार होता था, लेकिन अब आपका ये जो क्वेश्चन था वो इसलिए अब खत्म हो गया। हमने शादरा से लेकर अंदरून लाहौर की गलियों सड़कों तक और पसमानदा इलाकों तक प्लांटेशन का अमल शुरू किया है, और ये जो जंगल लगा रहे हैं हम ये पूरे लाहौर में लग रहे हैं, लग गए हैं, बल्कि 51 जंगल लग गए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इसकी ब्रीफिंग दी गई तो न सिर्फ हमें फिर इस पर मजीद फंड दिए गए बल्कि अब हमने इसकी तादाद 80 कर दी है। इट्स ऑल अबाउट आइडिया हाफिज निशान साहब, बिकॉज अगर आपका आइडिया क्लिक करता है वो आवाम के लिए है, आवाम नाज जो उससे मुस्तफीद होने के साथ साथ भरपूर फायदा भी उठा रही है। अब वो मियावा की जंगल हो, वो आपकी साइकिलिंग ट्रैक हो, वो आपका जश्न बहारा हो, इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तो प्रमोट करती करती हैं, लेकिन आपके बॉडी मोशन को यू नो मेंटली आपको बड़ा जबरदस्त रखती हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह के आइडियाज PHA की जानब से या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानब से लॉन्च करते रहना चाहिए ताकि हमारा भी कॉग्निटिव प्रोसेस चलता रहे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बाघों का शहर है लाहौर, इसकी खूबसूरती ऐसी बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए और रहनी चाहिए। अब मैं और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज तो हमने 3 ब्रेक्स ली, नॉर्मली हम 2 ब्रेक लेते हैं, तो हर ब्रेक के बाद मेरा तो फर्ज बनता है आप लोगों से कहना कि भाई वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, सुबह उठें, एक नए दिन का आगाज करें। लेकिन नए दिन का आगाज आज के बाद आपने कैसे करना है, इसके लिए जो पैनल मौजूद है वो तो आपको इंस्ट्रक्शन दे ही रहा है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन से पहले एक और इंस्ट्रक्शन मुझे आपको देनी है। इंस्ट्रक्शन कहें, सहूलत कहें, या फिर आप ये कहें कि मैं एक अच्छा सजेशन आपको दे रही हूँ, क्योंकि ईद आ चुकी है बहुत करीब, घर के बहुत सारे काम है, कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है, कोई सेंट्री का काम कराना है, सोफा क्लीनिंग करनी है, घर के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम है जिसके लिए हमें अलग अलग कंसर्न लोगों के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपने करना है मिस्टर माहिर की एप्लीकेशन को डाउनलोड, अपने फोन में, एंड्रॉइड में करें, आईफोन में करें, कहीं भी करें, किसी भी जगह पर करें, वहां पर कंसर्न लोगों की एक लंबी सी लिस्ट मौजूद है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा काम आपने करना है तो उसके लिए कौन सा बंदा कहां पर अवेलेबल होगा, आपके डोर स्टेप पे वो सहूलत आपके आ जाएगी और आपने उसको अवेल करना है। अवेल करने के बाद मुझसे भी रिव्यू जरूर शेयर करना है, तो मिस्टर माहिर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इससे पहले अपने सारे काम कराकर मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो प्रोग्राम में हम स्पॉन्सर्स का जिक्र कर रहे हैं तो अपने खूबसूरत आउटफिट की बात कर लेते हैं कि आउटफिट जो है ये ज़ाहिरा बाहिरा आकिब का है, और कुछ दिन पहले ही मेरी इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब मैंने इनके आर्टिकल्स पहनना शुरू किए तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको पहन के आपको लगता है मेड फॉर यू, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अच्छा साइज मिले, अच्छा स्टफ मिले, अच्छा आर्टिकल, एक कंप्लीट पैकेज जो है वो बहुत कम आपको मिलता है। तो आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है ज़ाहिरा बाहिरा आकिब के नाम से, और कस्टमाइज जिस किस्म के ड्रेसेस आप चाहते हैं ईद के लिए खासतौर पर सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ, तो उसके लिए आपको एक अच्छी वेरायटी, वाइड रेंज जो है वो आपको जरूर मिलेगी, तो इनको विजिट कीजिएगा। अब हम ब्रेक में भी यू नो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज्यादा जरूरी है कि अगर आप योगा कर रहे हैं वो आप घर में कमरे में कर रहे हैं, अपनी विंडो में कर रहे हैं, आप किसी जगह पर ऐसे जा रहे हैं जाके आपको कम से कम सनशाइन या कम से कम सुबह का एक जो ना एक एसेंस होता है वो आपको मिले, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस तरह से। डॉक्टर साहब ये बताएगा जरा इस पे थोड़ा सा यू नो इसको क्लियर कीजिएगा कि जरूरी है कि आपने जो कारपेट अपना बिछाया हुआ है जिस पर आपने योगा करनी है या आपने मेडिटेशन करनी है वो ओपन एयर में होना चाहिए, बंद कमरे में होना चाहिए, ये किस किस्म की स्पेसिफिकेशन है इस हवाले से? वैसे तो अगर आप जो है लॉन में करें या गार्डन में करें, पार्क में करें तो बहुत अच्छा इसलिए हो जाएगा, इसलिए कि जितने ऑक्सीजन के हायर लेवल होंगे उतना ज्यादा आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि पार्क्स में जितनी
आपको ऑक्सीजन मिलती है वो ज़ाहिर है पार्क में अंदर नहीं मिलेगी, कमरे में नहीं मिलेगी, तो आपकी जो है ब्रेन और बॉडी की केमिस्ट्री भी जो है वो चेंज हो जाएगी और थिंग्स जो हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल पैटर्न की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फर्ज करें मेडिटेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स, बड़े बड़े खूबसूरत बर्ड्स आपको मिलेंगे, डॉव मिलेंगी, नाइटिंगेल मिलेंगी और ऐसे मिलेंगे, और फिर कहीं आपके पास से गुजरती कि स्क्वर्ल्स हैं, उनकी साउंड्स हैं, बर्ड्स हैं, क्रोज हैं, तो वो आपके प्लेयर को, आपके बॉडी की ब्लिसफुलनेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये चीज़ ज़रा ऐड कर दें, बिकॉज प्रोग्राम के आगाज में मैंने इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की थी कि योगा को नॉर्मली हम ये ज्यूम करते हैं कि आपको पता है बहुत सारे जेस्टर्स, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे कि ब्रेक में भी आप बता रहे थे कि ये एक मंत्र है, अगर आपको बहुत ठंड लग रही हो तो आप इस तरह से करें तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। चलिए, वो तो एक जेस्टर आपने ब्रेक में मुझे वैसे बताया, चूंकि एसी की वजह से मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी तो डॉक्टर साहब ने इमीडिएट सोल्यूशन मुझे बताया, लेकिन हम इसे एफिलिएट करते हैं, इसे रिलेट करते हैं इंडियन वर्शिप काइंड ऑफ जेस्चर्स से, क्योंकि आपको पता है कि हम ना बीइंग अ मुस्लिम, हमारे बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं इस बारे में, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये भी समझते हैं कि योगा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ आवाज़ आप इस तरह से निकालते हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि ये सिर्फ यू नो इंडिया में किया जाता है या ये उनके प्रार्थना करने का एक तरीका है, लेकिन हम मेडिटेशन में, योगा में सेम जेस्चर लेते हैं, तो इस हवाले से यू नो मजहब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें या बिल्कुल एक्सक्लूड करें तो इसे आप किस तरह से एलेबोरेट करेंगे कि टोटली एक डिफरेंट चीज है, दुनिया में कहीं भी किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग योगा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें इस्लाम की हमारे पास हिस्ट्री जो है उससे बहुत पहले, यानी 15,000 years ago योगा का आगाज हुआ, 15,000 years, तो इस टाइम में जब अभी इस्लाम की हमारे पास वो नहीं आई थी तालीमात, तो लोगों ने नेचर, और कौन सिखाने वाले, अल्लाह ताला की जात है, लोगों को अल्लाह ताला ने फैसिलिटेट किया और लोगों ने चीज़ें इन्वेंट करनी शुरू कर दी। अब देखें जहाँ तक हाथ बांधने का ताल्लुक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, इसका योगा का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का भी होता ये कि इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट को आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, इसी तरह हमारे हाथों और पैरों में स्पेशल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड है आपके ब्रेन से, आइज से, लिवर से, किडनी से, पैंक्रियाज से, आपके स्टमक से, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जब आप, और हमारे हाथों में चूंकि नर्व्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल एक बेइंतहा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम अल्लाह ताला ने, सुभान ताला ने हमारे हाथों और पैरों पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम रखा हुआ है जो कि नर्व्स के जरिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ अटैच है, तो जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होती है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं, तो जब आप दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हैं और आंखें बंद करते हैं तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलने से बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर, मतलब हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसे करने से आपकी सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अलावा बहुत सारे जेस्चर्स हैं जिसको हम नॉर्मली ये अज्यूम करते हैं कि हम इसे स्पेसिफिकली इन एक तबके को, एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही प्रैक्टिस करता हुआ ज्यादा देखते हैं, लेकिन यू नो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा बड़ा कामिल ईमान है इस बात पर कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की जात पर हमारा एतमाद है, यकीन है, तो हमें इस चीज को इस तरह से कैरी ऑन करना चाहिए, इतनी छोटी सी बात पर हमारा ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। तो योगा की अफादियत के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिशान साहब हमारे पास मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो योगा या कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा के यूज टू हैं आप, योगा के मतलब कितनी आपको लगता है कि कितना हेल्पफुल है आपको सेहतमंद रखने के लिए और आपकी रूटीन में इसको जगह देनी चाहिए थोड़ी सी? देखिए, एक तो योगा की अहमियत से इनकार तो मैं बिल्कुल नहीं करता, और तो अदर दूसरे, अलबत्त मैं तो योगा क्लासेस नहीं लेता, अदरवाइज जो मेरा मामूल है वो रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करना है। That's really good. चूँकि मेरे ऑफिस से ही मुल्हिका पार्स है तो मेरी रूटीन ही कुछ ऐसी बन गई है, अलबत्त योगा नहीं क्लासेस लेता। अच्छा। और लेकिन आज डॉक्टर साहब ने जो अफादियत और अहमियत बताई है तो इंशाल्लाह इस तरफ भी आएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बात की ऑक्सीजन के, मसलन आप रूम में इनडोर की बजाय आप आउटडोर करेंगे एक्सरसाइज तो ऑक्सीजन बेहतर मिलती है आपको, ठीक है। तो मैं ये अभी जो पिछली बात मैं कर रहा था मियाँ बाकी जंगल के हवाले से, तो हम जो जंगल लगा रहे हैं उसकी एक अहमियत मैं आपको बताऊँ कि अगर आप, आपका ऑक्सीजन क्वालिटी बाहर की निस्बत बहुत बेहतर है, आम दरख्तों में उस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है,
और दूसरा टेम्परेचर की मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप उस जंगल में जंगल से बाहर खड़े हैं तो आपका 40 डिग्री टेम्परेचर है, अगर तो आप जंगल में आएंगे तो आपको 30 मिलेगा, यानी कम 10 डिग्री का फर्क पड़ेगा। तो फ्रेश एयर के साथ डॉक्टर साहब और ज्यादा गुड सजेशन है। तो अच्छा आफिस साहब ये भी बताएगा कि हमने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम बाकायदे तौर पर शुरू की, बड़े अच्छे से उसको रन किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने जा जाके कैंपेन भी की, बच्चों ने अपने पौधे लगाए, साथियों ने अपने लगाए, ये जो बिलियन ट्रिलियन ट्री मंसूबा था जिसको हमने शुरू किया था, ये कहाँ तक पहुँचा है, इन प्रोसेस कहाँ तक है, इससे आगे कैसे कैरी ऑन करेंगे? देखिये ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, तो अब इंशाल्लाह सदका जारी है, ये चलता रहेगा। आप ये देखें कि केपीके और पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। बिलियन ट्री सुनामी जो था वो तो केपीके से शुरू हुआ ना, आज इसका दायराकार पूरे मुल्क की गली मोहल्लों और छोटे पार्कों तक महदूद होने की बजाय ये पूरे मुल्क में फैल गया इसका दायराकार, तो ये तो बहुत तेजी से चल रहा है। अभी कल जब प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया तो उसमें उन्होंने मियाँ वाकी को बारिशी पानी को महफूज करने का ये बहुत सारी इकदाम की तारीफ भी की, तो ये सिलसिला तो चल रहा है। हम अपने टारगेट्स को न सिर्फ वो हदफ अबूर कर रहे हैं बल्कि अब नए टारगेट पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये करेंगे लेकिन मॉडल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लाहौर के दो मुकामात पे एशिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल लगा रहे हैं, जिसके लिए हमने चाइना पार्क रावी और अलामा इकबाल टाउन में गुलशन इकबाल का तायुन किया है। तो अच्छा ये सारे मनसूबे जो हैं वो नहीं है कि 8 साल बनेंगे 10 साल बाद बनेंगे, ये हमने 80 जंगल लगाने का अमल जिसमें से 51 मुकम्मल कर लिए हैं, बाकियों पे काम चल रहा है और एशिया के जो सबसे बड़े जंगल लगा रहे हैं वो भी आपको इसी मॉनसून में मुकम्मल होते नजर आएंगे। इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोसेस अच्छा है। इसके सम्राट तो हमें को 3 साल बाद मिलेंगे जब हमारा इलेक्शन गुजर चुका होगा, तो हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए वोट लेने के लिए किया, ये तो हमने आने वाली नस्लों के लिए ये काम किया है और अजर अजीम के लिए किया है। गो के इसका पॉलिटिकल फायदा भी होगा जो लोग समझ रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब केपीके में दरख्त लगाने का अमल शुरू किया बिलियन ट्री सुनामी, तो अपोजिशन उस वक्त की अपोजिशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिर्फ दरख्त ही लगा सकती है। तो आज आप देखें जहां पे आपके लिए खुराक बहुत जरूरी है, बहुत सारी जरूरी चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा तो आपको बेहतर और अच्छे माहौल की जरूरत है, दरख्तों की जरूरत है। तो इंशाल्लाह तहरीके साथ कोविड-19 की सिचुएशन में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, वसाइल की बात कर रहे हैं, माशी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा माहौल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि कोविड-19 की सिचुएशन से हमें निकाले, हमें सेहतमंद ज़िंदगी दे। और सबसे अहम बात यह कि जिस तरीके से हम बुरी तरह स्टक हो गए ना इन 2 सालों में, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर SOPs का भी खास ख्याल रखा जाए और लोगों का माइंड भी डाइवर्ट हो, इस चीज़ को भी कीप इन माइंड। बहुत दफ़ा PHN रखा, वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये जो कि मैं यू नो हाफिज़ ज़ीशान साहब को इनकी टीम को इस चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहती हूँ, मैंने सारे इदारों को काम करते हुए देखा है लेकिन यू नो मैंने कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं देखी, बड़े काम होके पोलाइट होके आराम से ग्रेजुअली तेजी में नहीं करप्शन के साथ नहीं बड़े आराम से और स्मूथ चलने वाला इदारा मैंने हमेशा PHA को देखा है और इसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। कोई एक बंदा तो काम करता नहीं है, वो वाइस चेयरमैन हो या फिर आपकी पूरी एक हायरार्की हो, सारे मिलकर काम करते तो एक इदारा बनता है। अब अगर लास्ट टाइम जश्न बहारा की बात की जाए तो मैं एक नहीं दो नहीं 3 दफ़ा खुद गई हूँ, पहले फैमिली के साथ फिर कुलीग के साथ, मैंने ना हाफिज़ ज़ीशान साहब से भी रब्ता किया, बड़ा अच्छा फीडबैक था। मैं चाहती हूँ कि जरा उसको एक दफ़ा और रिकॉल करें कि जो लोग थे वहाँ पे, चूंकि कोविड की वजह से हमें उसे फौरी तौर पर बंद करना पड़ा, अदरवाइज उसका फीडबैक बहुत ही क्लास और बहुत ही मज़ेदार सा आ रहा था। देखिए एक तो मैं आपको बताऊँ कि लाखों की तादाद में लोग आए थे और हमने SOPs का भी ख्याल रखा, लेकिन इतनी तादाद और केसेस बढ़ने के बाद हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। आपने क्रेडिट की बात की, PHA को क्रेडिट जो दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि PHA का असल हीरो तो बागबान है जो गर्मी सर्दी आंधी तूफान बारिश में धूप में वो मिट्टी के साथ काम कर रहा होता है। तो क्रेडिट गोज टू बागबान, हमारे बागबान ही है जिसकी बदौलत ये अथॉरिटी आज काम कर रही है। कोविड ना होता तो हमारा आज जब हम बात कर रहे हैं तो इन दिनों में हमारा सावन मेला चल रहा होता, क्या हमने पिछले सालों में किया है तो हमारे कैलेंडर में शामिल हो चुका है।
मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन का अमल चल रहा है, कोविड की सूरत हाल बेहतर हो रही है, आजकल कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जहाँ पे पूरी कौम ने इसके खिलाफ जिहाद किया है तो हम जल्दी इससे निकल आएंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले सालों में न सिर्फ हम जश्न बहारा को पहले से बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, बल्कि जो हमारे बाकी सेगमेंट है, गुले दाऊदी की एग्जीबिशन है मौसम बहार, और फिर ये जो मूनसून में हम सावन मेला करते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ हैं, इंशाल्लाह ये अपने पूरे उरूज से हम वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं आपके लिए, पीएचए का और हमारा भी। लेकिन मैंने प्रोग्राम के आगाज में आप लोगों से एक बात की थी, मैंने कहा था कंसर्न डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, जो उनको इक्तदार मिला, जो सीट मिली, जो उनको जिम्मेदारी मिली, सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यू नो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी जरूरी है। ये बात बड़ी आसान है, ये बात कहना बड़ी नॉर्मल कैजुअल सी बात है, मैंने कह दी आपने सुन ली, दैट्स इट। लेकिन इस चीज को रियलाइज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल अमल है कि भाई आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, अपने घर के बाहर अपने माहौल को साफ रखने की, किसी पार्क को साफ रखने की, या किसी भी चीज जो कि आप देख रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी, आप बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो पीएचए की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपने उसको किस तरह से साफ रखना है, किस तरह से आपने अपना किरदार अदा करना है, ये छोटी छोटी बातें जिससे हमें मायूसी भी काफी ज्यादा होती है, इस पर बात करेंगे हाफिज निशान साहब से। लेकिन उससे पहले एक यू नो ये बात भी बहुत जरूरी है कि कोविड की सिचुएशन में हम कोई भी प्रोग्राम करें, किसी भी नौयत का करें, कहीं ना कहीं बात घूमती है और कोविड पर जरूर आ जाती है। तो आपकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना ये आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी है, ये कोई नहीं करेगा, खासतौर पर आजकल के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। कोविड की सिचुएशन में किस तरह से योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज किस तरह से मुआवन साबित हो सकती है? देखो आपको योगा में सबसे ज्यादा अहम बात होती है सांस किस तरह से ले रहे हैं आप, मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं, और कोविड को अगर रिलेट करें तो कोविड का सारा मसला सिर्फ सांस से होता है, आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं, इसको किस तरह से रिलेट करके आप हमें कुछ सोल्यूशन देंगे? बात यह है कि यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर प्रोग्राम में, जब भी मैं इधर आया, मैं ये एक मैसेज देना चाहता था लोगों को कि आपको योगा कोविड से सेव करने में बहुत लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, बहुत लीडिंग, क्योंकि ब्रीदिंग जो है, योगा इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग्स, तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके इम्यूनिटी लेवल हायर हो जाते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कहीं ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और अपने फंक्शन, नॉर्मल फंक्शंस को कहीं बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है। अब योगा में ब्रीदिंग की बेशुमार एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें हम प्राणायाम्स कहते हैं संस्कृत के वर्ड में, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ आया जाए तो एक हमिंग प्राणायाम है, या हमिंग ब्रीदिंग एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड में जिसपे खासे ट्रायल्स हुए हैं, और उन्होंने सेकंड वेव में और थर्ड वेव में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको इंस्टीट्यूट किया, लेकिन जो सेकंड वेव है उसमें उन्होंने देखा और ट्रायल्स हुए कि हमिंग ब्रीदिंग करने से 3 डेज में 97% पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दी आईसीयू में। और हमिंग ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी में अंदर एक नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जो कि वायरस को किल करने में अपना सानी नहीं रखती, और इन दिनों ये प्रूव हो गया कि हमिंग ब्रीदिंग जो है ये वायरसिडल एक्टिविटी, इसकी तस्लीम कर ली गई है वर्ल्ड वाइड। क्विकली बताएगा कि हमिंग ब्रीदिंग बेसिकली होती कैसे है, हाउ यू डू इट एट होम, और अगर आप अस्पताल में है या कहीं भी है, हाउ टू डू इट? यस, इसमें देखिए आपने जैसे हम वर्ड है, हम, आप जब इसको ब्रीथ करेंगे तो हम की साउंड निकलेगी। लाइक इसकी एक एग्जाम्पल है, फर्ज करें रात को जब आप मोबाइल की साउंड जो है उसको वाइब्रेशन मोड पे करके लेट जाते हैं तो कुछ ही देर में बाजू का अगर कॉल आती है तो आपकी आंख खुल जाती है और साउंड आ रही होती है, बिल्कुल ऐसी है। यही हमिंग ब्रीदिंग है, आप हम कह रहे हैं, यही हमिंग ब्रीदिंग। हमिंग बर्ड आपने देखा होगा उसमें वाइब्रेशन कितनी ज्यादा होती है, तो बेसिकली हमारे जो पैरा नेजल साइनसेस हैं, हमारे नेजल बोन के साथ पैरा नेजल साइनसेस हैं, इन साइनसेस में आर्टरीज हैं, स्पेशली बड़ी क्लासिफाइड, बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की आर्टरीज हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती हैं, लेकिन ये बचपन से लेके 30 इयर्स तक ये बड़ा इफेक्टिवली बनाती हैं, क्योंकि 30 इयर्स के बाद बॉडी डिक्लाइन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, तो हमारे जो पैरा नेजल साइनसेस हैं ये, इनमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। जो कि कोविड से, वैसे ओवरऑल तो आपके सांस लेने के प्रोसेस को ठीक करेगा, लेकिन कोविड की सिचुएशन में जो कि कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो इस प्रैक्टिस को घर में कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम सांस लेने में उस तरह से दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो। जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप देखिए अभी जो आपने बात की कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की या पीएचए या बाकी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी नहीं है, हमें इस
इनफरादी तौर पे अपनी अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के ना सिर्फ दरख्त लगाने चाहिए बल्कि सफाई सुथराई का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने घर के अंदर करते हैं। ईद कुर्बान भी आ रही है, इसी पैगाम को मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे कौमी जिम्मेदारी का सबूत दीजिए और अपनी इनफरादी तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। क्या खूबसूरत मैसेज है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही आम डिस्कशन रही, बहुत सारी बातें मजीद की जा सकती थी लेकिन हम वक्त के पाबंद होते हैं। जाते जाते यही पैगाम कि ईद कुर्बान करीब है, आलाइशों का खास ख्याल रखें। अपने घर से बाहर आलाइशें फेंक कर घर के माहौल को तो साफ कर लेते हैं आप, लेकिन बाहर का माहौल हो जाता है गंदा। और ये पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है, ये हमारा वतन है, इसे हमने साफ रखना है, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दें। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफसल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, काइंडली कोविड 19 की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।